प्रदेश राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल की जनजातीय बोलियों की शब्दावली की जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के जनजातीय अध्ययन केंद्र के निदेशक चंद्रमोहन परसीरा ने जनजातीय लोगों की मदद से तैयार की ये शब्दावली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से की भेंट, प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मांगी आर्थिक मदद। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जिला बिलासपुर के पंजगाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया दौरा। 3,66,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन के निर्माण के संबंध में प्राप्त की जानकारी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर अपना EKYC करवाने का किया आग्रह। EKYC अपडेट ना होने पर नहीं मिलेगा राशन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा केंद्र ने हिमाचल प्रदेश की जो मदद की है उसे स्पष्ट रूप से जनता के सामने नहीं ला रही सरकार। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जिला किन्नौर के पू उपमंडल में जागरूकता शिविर आयोजित। इस अवसर पर महिलाओं को बच्चों को स्तनपान करवाने से संबंधित दी गई जानकारी। किन्नौर जिला के पूह में 11 से 13 अगस्त तक आयोजित होगा खंड स्तरीय ग्रीष्मोत्सव। मेले के सफल आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार। ग्रीष्मोत्सव में 3 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रदेश के कई जगहों में आज दोपहर बाद हुई तेज बारिश। राज्य में कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं आई सामने। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर वर्षा जारी रहने की जताई संभावना।